एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे हैं। सो गाइज, आज थोड़ी मेरी वॉइस थोड़ी ख़राब है, सो ऊपर नीचे वॉइस रहेगी मेरी, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर राइट नाउ आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, उनकी जो हायर सेल्फ है वो आपसे क्या कहना चाहती है। सो यहाँ पे मैं दो डेक यूज़ करूँगी गाइज, टाइम द शूटिंग है, जब आप इसे देखेंगे तभी सबसे रेजोनेट होगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है, साइंस स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है। अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है, दैट मीन्स ये वीडियो आप ही के लिए है। एंड टाइम इज रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे हो तभी सबसे रेजोनेट होगी। लेट्स सी राइट नाउ आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। आई टॉक टू अदर्स अबाउट यू, सो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में लोगों से बात करते हैं, अपने आसपास के, इनके आसपास जितने भी लोग हैं या इनके फ्रेंड्स हैं, सो उनसे ये आपके बारे में बातें करते हैं। नेक्स्ट है, वाई डोंट यू कम बैक, सो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस क्यों नहीं आते, क्या रीज़न है कि आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आ रहे। सो इनको अच्छे से पता है रीज़न क्या है, गलती इनकी थी या आपकी थी, बट फिर भी आपसे बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं आते, भोले बन रहे हैं, यू टेल मी लाई। सो हो सकता है आपने इनसे कोई झूठ बोला है या इनको कोई गलत फहमी हुई है कि आपने इनसे झूठ बोला है, बट आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आपने इनसे झूठ बोला। I control myself for coming towards you. हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इगोस्टिक है या ईगो एक क्लैश आपके जो कनेक्शन में क्लैशेस अभी इन पास्ट क्रिएट किए हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके पार्टनर ईगोस्टिक हैं। सो आपके पार्टनर चाहते हैं, वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करें, आप इनकी लाइफ में क्यों नहीं आते, आप आ जाओ चुपचाप, इनको कोई अफेक्ट ही नहीं डालना पड़े, और खुद को कंट्रोल कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने से। यू आर एक ट्रू पर्सन, आप एक सच्चे इंसान हैं, कहीं ना कहीं इनको फील भी होता है कि आप एक सच्चे इंसान हैं, लेकिन फिर भी आपने इनसे झूठ क्यों बोला। आई स्टैंड बाई यू फॉर एवर, सो आप इनके साथ हैं और आपके पार्टनर आपके साथ हैं, आप इनके साथ हैं, दैट्स वाई आप ये वीडियो देख रहे हैं, और आपके पार्टनर भी आपके साथ हैं भले ही वो कोई वीडियो ना देखे। आई वॉन्ट टू टेक एक्शन एंड आई विल, सो आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, और वो लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। ये देखो, ये कार्ड अपने आप निकल रहा है, मैं इसको ऐसे कवर कर रही थी और ये ऐसे निकला, चलो इसको ले ही लेते हैं। ये कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है, आपके पार्टनर बहुत बेसब्री से ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ओहो, एक सेकेंड, अभी देखो आप, आई वाना मैरी विद यू एंड आई वॉन्ट ए मैरिज विद यू, सो आपके जो पार्टनर है वो आपसे शादी करना चाहते हैं। ये था वो स्पेसिफिक मैसेज, तभी ये ऑटोमेटिकली निकल रहा था, मैं इसको लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी ये निकल रहा था क्योंकि ये बोल रहा था कि मैं ही तो सबसे मेन मैसेज, जो स्पेसिफिक मैसेज है वो तो मैं हूँ और मुझे छोड़ के जा रहा हूँ। गाइस, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, हम रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, फॉरगिव मी प्लीज़, इनको कहीं ना कहीं पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, इन्होंने कुछ गलत किया इन पास्ट, और ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। तो हो सकता है ये विक्टिम रोल प्ले कर रहे हैं, गलती इन्होंने की, बट आपको बोल रहे हैं कि आपने उनसे झूठ बोला है, ये वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि आप इनसे आगे माफ़ी मांग लो और इनको कुछ करना ही ना पड़े, इनका ईगो भी सेफ रह जाए। सी, आई एम सॉरी, आई विश वन डे यू कैन फॉरगिव मी अगेन, फॉरगिवनेस। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट इनमें इतने गट्स नहीं है कि वो आपसे आके सॉरी बोल सकें। सो इस रीडिंग के थ्रू आपसे सॉरी बोल रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ करें। नेक्स्ट, कमिटमेंट, वाओ, कॉन्ग्रेट्स। सो आपको कमिटमेंट मिल सकता है अपने पार्टनर से, बी पॉजिटिव। नेक्स्ट है, यू आर एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, सो आप वही इंसान हैं जिसका ये जन्मों जन्मों से इंतज़ार कर रहे थे, इनकी सोल आपका वेट कर रही थी। नेक्स्ट, नोबडी नोज मी बेटर देन यू, सो कोई भी इनको इतना बेटर नहीं जानता जितना आपने इनको जाना, इतना समझा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हमें मिली है, द फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग इज ऑलवेज यू, सो जब भी ये सुबह सुबह उठते हैं, सो इनका पहला जो थॉट होता है वो आप ही को लेकर होता है। चलिए एक कार्ड और निकालते हैं, एक स्पेसिफिक मैसेज राम जी, जो बहुत ज़्यादा ईगरली अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं, मेरे व्यूवर से कहना चाहते हैं, इनके जो पार्टनर, एक स्पेसिफिक मैसेज।
जाते जाते एक स्पेसिफिक मैसेज, जय सिया राम, आई टेक केयर फॉर यू एंड ऑलवेज विद यू. सो आपके पार्टनर का स्पेसिफिक मैसेज ये है कि आपके पार्टनर हमेशा आपकी परवाह करते रहना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं. बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, सी फीलिंग सो सैड विदाउट यू. आपके पार्टनर आपके बिना रोते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत सैड एनर्जी में, बहुत ज़्यादा सैड हैं आपके बिना और रो भी रहे हैं. सो प्लीज़ इनको माफ़ कर दीजिए, इनको गिल्ट है, इन्होंने जो भी इम्पास किया और ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं. सो गाइज ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट किया, रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय सियाराम.